नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे आप लॉक स्क्रीन पर इंस्टाग्राम का जो नोटिफिकेशन है किस तरह से हाइड कर सकते हो। ओके, तो क्या होता है, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन में जो है लोग रीड कर सकते हैं कि भाई क्या नोटिफिकेशन आया है इंस्टाग्राम के तरफ से। तो उसको करने के लिए करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको साइड स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया है मैंने। ओके, इसको करने के बाद करना क्या है आपको जो है, आपको नीचे में यहाँ पर आपको अपना लोगो दिखाई देगा राइट साइड का कॉर्नर पर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको थ्री लाइंस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो थ्री लाइंस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ओके, तो चलिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जाना है आपको सेटिंग्स पर। तो सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ये देखिए पोस्ट स्टोरीज कमेंट आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके, तो जहाँ पर भी आप क्लिक करो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है आपको नीचे में आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग। ओके, तो आपको इसी को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन का। ये देखिए सबसे पहले आ रहा है आपका शो एप्स इन आइकॉन बेजेस, यहाँ पर है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है। उसके बाद लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन यहाँ पर है। तो ये लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर टर्न ऑन है, तो आपको इसको ऑफ कर देना है इस तरह से। तो ये जो है अपना टर्न ऑफ हो चुका है। अभी जो है आपका इंस्टाग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो लॉक स्क्रीन पर आपको नजर नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आप अपना इंस्टाग्राम का जो भी नोटिफिकेशन है उसको हाइड कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन पर। ओके, तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।